अभी तक नहीं आई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ ना कुछ नाटक तो इस लड़की ने करना ही था। पूरी बिरादरी में मजाक बनकर रह जाएंगे हम। काकोजी के घर क्यों? नसीब बदलवाने। दिल बदलाने से नसीब नहीं बदलता। आइंदा तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, ना कॉलेज ना किसी दोस्त के पास। अब तुम इस घर से सिर्फ ससुराल जाओगी। डरा क्यों रहे हैं आप? आपने किसी भेड़ बकरी को कटने के लिए खुद आते हुए देखा है? मैं खुद आई। तुम जब करवाने वाली तैयार हो गई कि नहीं? तुम उसे ले जाओ और तैयार करो। अर्चना, तुम ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। मैं कुछ कह बैठूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। लीजिए, हम फ्रेश होके आ गए। अब वो है कहां? तुम बैठो तो सही, फिर कहोगे लड़की वालों ने तो बैठने को ही नहीं कहा। लो बैठ गए भाई। इतना तो मैं जानता हूं कि लड़कियां जब तैयार होती हैं तो आदमी कलकत्ता से बंबई जाकर वापस आ सकता है, लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। क्यों आंटी, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? कैसी गड़बड़? डायरेक्ट फेरन लगवाने का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पहले तो तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी, तुम्हारे घर जाना पड़ेगा रिश्ता लेकर। आखिर लड़की वाले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट पत्नी को घर ले गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो है कहाँ? लो भाई, आ गई हमारी संगीता। अरे भाई मिठाई खाओ, संगीता ने खुद अपने हाथ से बनाई है। अच्छा आंटी, डैड को फोन लगाइए। क्यों? कहिए फौरन बारात लेकर आ जाए। संगीता से कुछ पूछना है तुम्हें तो? अच्छा तो हम लोग चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अकेले में मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मुझे सिर्फ यही पूछना है कि मुझे क्या पूछना चाहिए। ठीक है तो यही पूछ लो, हम जाते हैं। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। ये मिठाई आपने बनाई है, इसीलिए बहुत अच्छी है। आप भी अच्छी हैं बहुत। मैं कैसा लगा आपको? लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का हूं, वैसे आपकी राय क्या है? देखिए प्लीज कुछ कहिए ना, मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज कुछ कहिए ना। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। आज नहीं,
देखिए, मेरी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। ये तो मुझे कहां लेकर आ गई? Where are we? Oh my God! मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे, इस सुनसान जगह में अगर तुमने मेरा कत्ल कर दिया तो मेरे घर वाले यतीम हो जाएंगे। आप कभी जिंदगी में सीरियस होते हैं? दो वक्त होता हूँ, पैसा लेते वक्त और पैसा देते वक्त। पैसा ही आपके लिए सब कुछ है? पैसा सबके लिए सब कुछ है मैडम। खैर, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। वो तो जाहिर है, लेकिन क्या? आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दौलत को अपने हाथ से जाने दूँ? दौलत, पैसा, ये सब मैं भी आपको दे सकती हूँ, पर मुझे आजाद करने के लिए 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 15,00,000, कुछ भी जो आप चाहें। नो नो नो, तुमने गलत समझा मुझे। दौलत से मेरा मतलब रुपया पैसा नहीं है संगीता। नेवर। मेरी दौलत तुम हो। मैं किसी और को अपना चुकी हूँ। क्या? मैं किसी और से प्यार करती हूँ अविनाश। प्लीज आप हमारे रास्ते में मत आइए। एक्सक्यूज मी, मैं आपके रास्ते में नहीं आ रहा हूँ। मुझे बुलाया गया है। रिश्ता आप लोगों की तरफ से आया था, हमारी तरफ से नहीं। वो मेरे घर वालों की इच्छा थी जो बुआ जी ने पूरी करनी चाहिए, लेकिन इन सब में मैं बिल्कुल शामिल नहीं। तो फिर मुझे क्यों बेवकूफ बनाया गया? जब आप उस शादी नहीं करना चाहते तो आपने अपने घर वालों को रोका क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। जब आपके अपनों ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई गैर आपकी बात मानेगा? क्योंकि गैर फिर भी गैर होता है। घर वाले तो अपने दायरे में बात करते हैं और गैर को उस दायरे से कोई मतलब नहीं होता। देखिए, आप मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर मैंने आपको अपना मान लिया हो तो? जी जी हाँ। देखिए, आपने किसी और को अपने दिल में बसा लिया है और मैंने आपको, फिर फैसला क्या होगा? एक मुलाकात में आप मुझे अपनी जिंदगी नहीं बना सकते। क्यों? एक मुलाकात में जब आप मुझे अपनी जिंदगी की बातें बता सकती हैं तो मैं आपको अपना क्यों नहीं बना सकता? आप समझ नहीं रहे, मैं आपसे वफा नहीं कर सकूंगी। मैं अपने माँ बाप की बात टाल नहीं सकती और अपने प्यार को धोखा भी नहीं दे सकती। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। प्लीज ये रिश्ता यहीं खत्म कर दीजिए। प्लीज। ओके, चला जाऊंगा मैं। रिलैक्स, कम से कम मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो प्लीज। नम्रता, कोशिश तो की जा सकती है। ओके अंकल जी, नमस्कार। आंटी जी, नमस्कार। अरे, ये कहाँ जाने की तैयारी है? बस वापस मुंबई जा रहा हूँ। वापस मुंबई? अभी? जी हाँ। मगर अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। अंकल जी, मेरा जवाब संगीता के पास है। संगीता का जवाब तो हमें पता है। नहीं अंकल, आपको नहीं पता। दरअसल मेरे साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे यहां आने से पहले ही संगीता किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई। किसने कहा? खुद संगीता। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं आती। मुझे देखकर अक्सर लड़के ऐसे ही बिहेव करते हैं। अपनी बस शक्ल ही कुछ ऐसी है, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं बेटे, वो मजाक कर रही होगी। मजाक? अंकल, मैं कोई जोकर तो नहीं कि मुझसे मजाक कर रहे, कोई टाइम पास कर रहे। वो सच में किसी और को प्यार करते हैं। फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? नहीं बेटे, अक्सर कॉलेज के दिनों में लड़के लड़कियां एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो चाहत थोड़े ही ना होती है। वो तो इस साथ रहने से एक लगाव सा हो जाता है। आंटी जी प्लीज, संगीता को पहले समझाइए फिर मुझसे बात कीजिए। प्लीज आंटी जी, वो खुद मुझसे कह रही है कि मैं शादी से इनकार कर दूं।
फिर मैं हाँ कैसे कर सकता हूँ? शादी तो हमें तय करनी है बेटे। हाँ, लेकिन करनी तो उसे है ना अंकल। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी के मंडप में वेट करता रह जाऊँ और वो पहुंचे ही नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। घर बुलाकर जाने के लिए कहा जाए। नहीं बेटे, तुम गलत समझ रहे हो। एक बार फिर सोच लो, तब फैसला करना। ठीक है आंटी, मैं मुंबई जाकर सोचकर आपको फोन करता हूँ। ओह, आई एम गेटिंग लेट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बाय। संगीता, तुम चाहती हो हम जबरदस्ती शादी के मंडप तक ले जाएं तुम्हें? नहीं बाबूजी, मैं वहां अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ। तो फिर अविनाश को सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी शादी अविनाश से होती तो आपको मुझसे जबरदस्ती करनी पड़ती। जब हमने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी अविनाश से ही होगी, तो पिछली बातें क्यों दोहराई उसके सामने तुमने? क्योंकि मैं उसे कोई धोखे में नहीं रखना चाहती थी। कल अगर उसे अनूप के बारे में पता चलता तो ये गलत होता। अनूप की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पढ़ना बंद कर दिया तो क्या कहानी खत्म हो गई? तुम भी उसका नाम नहीं लोगी। फिर भी उसे सब कुछ बताना जरूरी था बाबूजी। शादी में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कल को अगर मैं उसके साथ नहीं चल सकी तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और फिर वो मेरे साथ साथ आपको भी गलत समझेगा। अब भी वो हमें गलत ठहरा के गया है। अब भी वो हमारे परिवार का मजाक उड़ा के गया है। जिंदगी भर के लिए मजाक बनने से तो एक बार का मजाक होना अच्छा है बाबूजी। इस तरह तुम कितने लोगों को उनकी बात बताओगे? अविनाश चला गया, दूसरा अविनाश नहीं है। तुम कितनी बार अपनी शादी को रुकवाओगे? तुम क्या समझती हो कि इस तरह सच्चाई बता के तुम अपने को चरित्रवान और सुलझे हुए लड़की साबित करोगी? बदनाम हो जाओगी तुम भी और हम भी। प्यार में इतनी अंधी मत बन जाओ कि खुद पर ही कलंक लगा बैठो। जी, आधी बीमारी तो मेरे घर वालों ने दी है। सच विशाल, अगर बाबूजी आ जाते तो। लेकिन नहीं, वहां से कोई क्यों आएगा? उस घर में शेखर भाई और भाभी के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो हमारे दर्द को समझे। विशाल अपना मोबाइल दे। हेलो, हेलो शेखर। हेलो सुचित्रा जी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? शेखर, आरती की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे लगता है वो शायद। क्या कह रही हैं आप? कहाँ है वो? हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। विशाल बहुत घबरा रहा है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? लौट के बताता हूँ। लेकिन क्या बात है? अरुणा, अरुणा आरती हॉस्पिटल में है, वो बहुत सीरियस है, मैं वही जा रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सिर्फ तुम्हारे बुरा मानने से क्या होगा अरुणा? उसका बुरा चाहने वाले और भी बहुत लोग हैं घर में। मैं जाता हूँ। मैं चलूँगी साथ में। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। विशाल, भगवान सब ठीक करेगा। विशाल, आरती कैसी है? डॉक्टर क्या कहते हैं? चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर। लेकिन ये अचानक क्या हो गया? डिलीवरी में तो अभी वक्त है ना? ट्रेन की वजह से हुआ भाई जी। इस पर ताला
खाना कसने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। घर से कोई और आया नहीं साथ में? आपको उम्मीद है कोई आएगा? मैंने किसी को बताया नहीं। बताकर देख लीजिए भाई जी, आरती के दुख पर प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। जाग रही है माँ जी? तुम भी तो जाग रही हो। मैं तो इनका इंतजार कर रही थी। कहाँ गया है शेखर जी? वो ऐसे ही हॉस्पिटल में। कौन है? आरती। आप सो जाइए ना जी। क्या हुआ उसे? पता नहीं, बेहोश हो गई है क्या? नहीं पता। विशाल भी वही होगा? मुझे कुछ मालूम नहीं है माजी। सबसे बना के रखती तो आज अकेली ना होती। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आप क्या पूछना चाहती हैं माजी? मैं क्या पूछना चाहती हूँ? जरूरत क्या है मुझे कुछ पूछने की? देखो, तुम जाग रही हो इसलिए बुला लिया। जाओ, तुम सोना है मुझे।